आजकल के लोग तो नास्तिक लोग बोलते हैं कोई बार श्राप होता ही नहीं है, परंतु गुरबाणी में लिखा है जो जो संत श्रापया से फिर आप बंदे संतों के श्राप हुए पाते फिरते हैं लोग। जी अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, हर वक्त हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? हम किसी को मित्र बना लेते हैं, किसी को दुश्मन बना लेते हैं, फिर मन का टिकाव जड़ा है खो जाता है, मन की शांति खो जाती है। इसके लिए दोनों से ऊपर उठो। बाबा जी जो हमें सपने आते हैं, चाहे वो बुरे होते हैं या अच्छे होते हैं, तो क्या वो सच होते हैं? कई लोग कहते हैं कि जो सपने सुबह के समय आते हैं वो अक्सर सच होते हैं, तो क्या ये उनकी बात सही है? कलयुग पूरे अपने जौवन पे होगा, ऐसे पाप वो पूरा वर्णन किया है कि कैसे कैसे पाप होंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ रही है दुनिया नास्तिक हो रही है, पापों में ग्रस्त हो रही है, धार्मिक शास्त्रों से विमुख हो रही है, संतों महापुरुषों से विमुख हो रही है, सो इसलिए फिर कलयुग का अंत होगा, कल की अवतार भी होंगे, फिर जो है फिर दोबारा सतयुग होगा, सतयुग लगेगा। नारद जी को पूछ लो, वर्मा जी को पूछ लो, वर्मा जी की कितनी बड़ी ड्यूटी है, वेद व्यास जी इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी दिव्य दृष्टि के मालिक हुए हैं, उनसे पूछ लो कि गुरु से बिना भक्ति हो सकती है? इस तपोवन की एक विलक्षणता यह भी है कि जब भी कोई दुखी अशांत दुनिया से निराश यहां पर आता है तो इस तपोवन की धरती पर पांव रखते ही उसका दुखी अशांत मन शांत हो जाता है और प्रभु की याद में जुड़ जाता है।